क्रूज ड्रग्स केस का जिक्र करेंगे, जिसको लेकर आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में फैसला सामने आने वाला है। आर्यन के वकील कोर्ट पहुंच गए हैं और दोपहर 3:45 ये फैसला यहां पर सामने आएगा। कोर्ट आज तय करेगी कि आर्यन खान जमानत पर जेल से बाहर आएंगे या फिर अगले और कुछ वक्त सलाखों के पीछे ही आर्यन खान को यहां पर बिताना पड़ सकता है। कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेशा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए रिजर्व कर दिया था। आर्यन खान पिछले 13 दिन से सलाखों के पीछे हैं। क्रूज ड्रग्स के में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और आज आर्यन खान की जमानत को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जमानत याचिका पर आज फैसला यहां पर सामने आएगा। आज की तारीख तक यानी कि 20 अक्टूबर तक इस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया था, तो ऑथर रोड जेल में आर्यन खान बंद है और ऐसे में आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ तस्वीर यहां से सामने आती है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, कब तक ये पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्या कुछ आज आर्यन खान की जमानत को लेकर तस्वीर नजर आ सकती है? संभावित तौर पे 2:45 का वक्त जो है वो NDPS कोर्ट ने साफ तौर पे दिया हुआ है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 2:45 पर ऑर्डर जो है वो प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई लगभग सब पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्षों ने 2 दिनों तक अपनी दलील रखी हुई थी और उसके बाद ये ऑर्डर को 15 तारीख को जो है वो NDPS जज ने जो है साफ तौर पर रिजर्व रखा हुआ था, वही ऑर्डर आज सुनाया जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि आर्यन खान को राहत मिलती है या अगले कुछ दिनों तक उन्हें और जेल में ही रहना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि अगर आर्यन खान की बेल जो है वो रिजेक्ट होती है तो 14 दिन की जो कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी, वो कल खत्म होती है और ऐसे में जुडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं NCB एक बार फिर से NCB कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती है, लिहाजा आर्यन खान के लिए और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बेल रिजेक्ट होती है तो अगर बेल जो है उसे अप्रूव कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आर्यन खान का बेल ऑर्डर लेकर सीधे ऑथर रोड जेल तक पहुंचना और ऑथर रोड जेल से शाम 6 बजे के पहले पहले जो है अगर ऑर्डर पहुंच जाता है जेल तक तो उन्हें जो है वो बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा कल का दिन जो है इस ऑर्डर को जो है वो एक तरह से कहा जाए कि ऑथर रोड जेल उसे रिसीव करेगा और फिर इसके बाद आर्यन खान बाहर निकल सकता है। तो फिलहाल सब कुछ जो है वो 2:45 पर जो ऑर्डर अनाउंस होगा, जो प्रोनाउंस किया जाएगा, उसी पर निर्भर करता है। आशीष, जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, एक बार फिर से आपसे तफसील से यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अगर आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है तो फिर आगे की क्या तस्वीर, किस तरह की प्रक्रिया रह सकती है, और अगर जमानत मिल जाती है तो फिर क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप डिटेल से इसके बारे में जानकारी दें। जी, इस पूरे मामले में आर्यन खान जो है वो 8 तारीख से अब तक यानी कि 13 दिनों से जुडिशियल कस्टडी में ऑथर रोड जेल में है। सबसे अहम बात यह है कि ऑथर रोड जेल में रहने के दौरान उनकी बेल पर जो है वो याचिका फाइल की गई थी। अब अगर उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो जुडिशियल कस्टडी जो है वो कल खत्म होगी, यानी कि सीधे कल उन्हें वापस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा तो NCB जिसने जुडिशियल कस्टडी का विरोध किया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं कस्टडी के लिए अप्लाई करने की तैयारी में है, यानी कि NCB एक बार फिर से आर्यन खान की कस्टडी मांग सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो ऐसे में उस ऑर्डर को जेल तक पहुंचाना, ऑथर रोड जेल तक पहुंचाना तकरीबन शाम 6 बजे से पहले पहले पहुंचाना जो है वो सबसे अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 बजे से पहले ऑर्डर जो है वो जेल तक पहुंचा तो ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे, अन्यथा कल का दिन जो होगा, कल तड़के सुबह जो ऑर्डर जो रिसीव किया जाएगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, तब उसके बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस फिलहाल जो है वो 2:45 पर जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा NDPS कोर्ट में उसके ऊपर निर्भर है कि ऐसे में ये साफ हो पाएगा कि आर्यन खान को जेल होगी, जेल में ही कुछ वक्त बिताना पड़ेगा या बेल पे उन्हें राहत मिल पाएगी।